हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आया हूँ भाई, देखो मेरे पीछे यह है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ नौका विहार घूमने के लिए, जो कि गोरखपुर से भाई 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अभी अपनी ट्रेन भी है दिल्ली की यहाँ से, तो थोड़ा सा टाइम है ट्रेन में, तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिप मारे आते हैं, अपनी एक छोटी सी वीडियो भी बन जाएगी। तो चलते हैं फिर नौका विहार और देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे भाई काफ़ी बड़ी लेक है और उसमें बोटिंग वगैरह होती है, तो चलते हैं वहाँ पे बोटिंग वगैरह करेंगे लेक में। मेरे साथ आए हैं साहिल बाबू, ये हम जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना भाई? मजा आने वाला है ना आज? मजा आने वाला, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। चलो जी, एंजॉय करेंगे वहाँ पे हम चल के। वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं नौका विहार और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना बड़ा तालाब है। बाकी यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, चलते हैं उसका प्राइस पता करते हैं और करते हैं राइडिंग, मजा आएगा। तो यहाँ पे बैठने की भी जगह बनी हुई है काफी सही, देख सकते हो आप। शाम को यहाँ पे बहुत ही मजा आता है, पानी वगैरह है सामने, ये झरने वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और ये बैठने की जगह है काफी अच्छी, यहाँ पे देख सकते हो आप, छाया भी है, धूप में भी आके बैठ सकते हो। ये देखिए सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे तिरंगा झंडा और ये हमारे देश का अशोक चक्र, और ये झंडा देखो कितना ऊंचा है। ओहो, बहुत काफ़ी सही लग रहा है भाई साहब। और ये बोट देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे, ये देखो इसमें डिनर वगैरह का भी है भाई साहब हिसाब किताब, रेस्टोरेंट टाइप का है पूरा, 8 बजे से 10 बजे तक। ये देखो इसकी टाइमिंग है यहाँ पे, रेड स्वान फेरी, वेलकम टू रेड स्वान फेरी, ये इसके बारे में है। यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह बुकिंग होती है यहाँ पे इसकी, काफ़ी सही जगह है भाई घूमने की। तो आगे चलते हैं, उधर की साइड देखो, उधर चलते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो ये है इसका एंट्री गेट, रामगढ़ ताल नौकायान केंद्र आपका स्वागत करता है। और यहाँ पे इसकी बोटिंग की कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं आप देख सकते हो गेट पे, सर्दी और गर्मियों का है। बाकी यहाँ पे ये सबसे बढ़िया जगह है यार, यहाँ पे मज़ा आ रहा है देख के, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देखो एकदम लग रहा है बीच वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी है, सबसे पहले हमें यहाँ पे फवारा देखने को मिला है और उसके बाद आप इधर देख सकते हो सामने आई लव गोरखपुर। बाकी यहाँ पे शेड्स वगैरह लगी हुई है बैठने की और सॉन्ग चल रहा है भाई, बड़ा प्यारा लग रहा है। और इधर कैंटीन वगैरह भी बनी हुई है इसकी साइड में आप देख सकते हो, बाकी बच्चों के लिए पूल भी है नहाने का। तो ये है टिकट घर है और इसके ये रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, पैदल बोट 40, मोटर बोट 60, स्पीड बोट 100 रुपये, बनाना बोट और जेट, ये है सारे मोटर बोट वगैरह देख लो आप फोटोज की। तो अभी कौन सी स्टार्ट है? वो है स्पीड बोट है वो। अभी हमने टिकट ले लिया और हमें 60 रुपये की एक टिकट पड़ी है, 2 टिकट 120 रुपये की है। चलते हैं भाई स्पीड बोट के लिए, चलने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और ये अपनी बोट आ गई है यहाँ पे, अच्छा ये नहीं है क्या? ये वाली बोट अपनी है, कोई बात नहीं, हमें जिस मर्जी में बिठा दो। बाकी ये इसके नीचे का देख सकते हो, अरे यार उसी में बैठे हैं। अभी हमें यहाँ पे मिली है सेफ्टी जैकेट, और जैकेट भाई पानी में जा रहे हो तो फिर जरूरी भी है पहनने के लिए, क्योंकि डूबने का डर रहता है भाई, बोट वगैरह पलट गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। बाकी ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं है, हल्की सी है, पहन लो भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं बांधने का, नकली माल है। अभी अपनी बोट स्टार्ट और आ रहा है मजा भाई, काफी पानी देखो कितना नीचे है, पानी भाई ग्रीन ग्रीन है, गरम गरम पानी है इसके अंदर, यहाँ ज़्यादा ठंडा नहीं है, चिल्ड होना चाहिए पानी, इतनी बड़ी लेक है तो उबलता हुआ पानी है, अगर इसमें बंदा गिर गया तो डूब के मरे ना मरे लेकिन उबल के मर जाएगा बहुत गर्म पानी है, धूप पड़ रही है ना सीधी एकदम, इसलिए हो सकता है इसके वजह से। आ रहे भाई मजे आ रहे हैं। ये देखो भाई साहब टॉप पे खड़े हैं हम इसके और आ रहे हैं मजे, काफी डर लग रहा है गिर गए तो भाई बचने वाले नहीं है इसमें। चलो भाई चलो, आ रहे हैं वापस। तो अभी अपनी हो चुकी है राइड कंप्लीट और भाई इतनी नॉलेज ना होने के कारण दिक्कत हो जाती है। बाकी अगर आप कभी आओ यहाँ पे तो भाई मोटर बोट लेना, उसका किराया 100 रुपये का है लेकिन भाई उसमें मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है?
हमने तो भाई ऑर्डिनरी वाली ले ली थी, पता नहीं था भाई वो बंदे बोल रहे जो ले रहे थे लोगों ने, हमने भी वही ले ली। सफर यहाँ पे फायर पान भी मिलेगा आपको खाने के लिए। अबे चल भाई, ये जल गया अपना पान। यहाँ पे आपको बच्चों की राइडिंग के लिए कार्स भी मिल जाएंगी भाई साहब। शाम के टाइम पे जो यहाँ पे मजा है ना, वो अलग ही मजा है। भैया कितने रुपए किराया है इनका? 40 रुपए। कितनी देर? अच्छा लास्ट तक, वहाँ तक ले जाओगे? बच्चों की गाड़ी का किराया है 40 रुपए, वहाँ लास्ट तक लेके जाएंगे झंडे तक और वहाँ से वापस लेके आएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे घूम लिया पूरा और फायर पान भी खा लिया, बाकी काफ़ी मज़ा आया घूमने में। शाम का जो मज़ा है ना यहाँ पे, वो अलग ही मज़ा है यहाँ पे शाम के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है शाम को और काफ़ी सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे। तो कभी आपको आना हो तो शाम के टाइम पे कोशिश करना आने की। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आए हैं भाई हम, तो यहाँ पे मेट्रो वगैरह चलती नहीं है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बाकी ऑटो वगैरह के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमको भी ले लीजिए भैया। आ जाओ भैया, आ जाओ। आ गए भाई, मिल गए हमारे एक, देखो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।